जय हिंद। मैं राकेश सौ पेशी अकेडमी से आज हम वर्क एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप 15। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्रश्न है ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन व 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बताइए ए बी व सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम सॉल्व करेंगे। देखिए, ए के द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगा समय है 10 दिन, तो देयरफोर ध्यान दीजिएगा, ए के द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगा समय है 10 दिन, तो देयरफोर हम निकाल सकते हैं ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य यह आएगा 1/10 कार्य। इसी प्रकार से therefore बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य यह होगा 1/15 कार्य, और इसी प्रकार से सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य यह होगा 1/12 कार्य। तो अब हम निकाल सकते हैं therefore ए बी व सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ए बी सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य यह होगा ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12 यहां पर एलसीएम निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएम निकालेंगे तो यह आ जाएगा 15 चौक 60, 12 पंचे 60, 10 छीका 60, 60 एलसीएम आएगा, 10 छीका 60, 15 चौक 60, 12 पंचे 60, यह आ जाएगा 10 5 15 बटा 60, 15 एकम 15 15 चौक 60। ध्यान दीजिएगा 1/4, तो इसी प्रकार से जब 4 आया आंसर तो हम निकाल सकते हैं therefore, इसको पलटना है ए बी प्लस सी के द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय, इसी को पलटना है, यह जाएगा 4 दिन में। इसी को आप यदि प्री के हिसाब से शॉर्टकट में सॉल्व करना चाहते हैं तो शॉर्टकट इसमें कुछ नहीं है बल्कि लिखना कम है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा 1/10, बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/15, सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/12, तो देयरफोर ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12, और ऐसे ही बिल्कुल सॉल्व होगा, यह आ जाएगा 1/4, अर्थात यहां पर इसे 4 को पलटेंगे तो यह आ जाएगा 4 दिन। तो यह हो गया शॉर्टकट में, अर्थात कुछ नहीं है, लेखन हमने कम किया, लेकिन मेंस के आधार पर इस प्रकार से विधिवत हमें लिखना है। मान लीजिए इसी में दूसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा
मान लीजिए इसी में दूसरा प्रश्न है, ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 6 घंटा, 4 घंटा व 12 घंटा में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को, ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने घंटों में, कितने घंटों में पूरा कर सकते हैं, कितने घंटों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर दिनों के जगह में घंटा दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देयरफोर ए के द्वारा एक घंटा में किया गया कार्य, एक घंटा में किया गया कार्य बराबर होगा 1/6 कार्य। इसी प्रकार से देयरफोर बी के द्वारा एक घंटा में किया गया कार्य 1/4 कार्य, देयरफोर सी के द्वारा एक घंटा में किया गया कार्य 1/12 कार्य, देयरफोर ए बी व सी के द्वारा एक घंटा में किया गया कार्य यह हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/12। यहां पर एलसीएम आएगा 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 कम 12, इसे हम जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 2, 3, 5 और 1, 6, 6/12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2, अर्थात यहां पर आंसर आएगा, इसे हम पलटेंगे तो यह आएगा 2 घंटा। तो देयरफोर ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा कार्य पूरा करने में, कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर होगा 2 घंटा। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। मान लीजिए यही प्रश्न प्रीलिम्स में आता, प्री में आता, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते, ध्यान दीजिएगा। ए के द्वारा एक घंटे में किया गया कार्य होगा 1/6, बी के द्वारा एक घंटे में किया गया कार्य 1/4, सी के द्वारा एक घंटे में किया गया कार्य 1/12। तो देयरफोर ए तथा बी तथा सी के द्वारा एक घंटे में किया गया कार्य 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/12। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2, अर्थात इसे हम पलटेंगे तो आ जाएगा 2 घंटा। तो इस प्रकार से प्री में हम कम शब्द लिखकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।